हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। मार्केट गुरु के वीडियो में जिस शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया उसको इसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये शेयर में बहुत ज्यादा हलचल है और मुझे लग रहा है कि इसके बारे में मैंने आपको 2 महीने पहले आगाह किया था कि ये शेयर मल्टीबैगर बनने की सारी काबिलियत रखता है। जिन लोगों ने खरीदा था मेरे कहने पर वो बने रहे, और जिन्होंने नहीं खरीदा है उन्हें मैं कहूंगा इस शेयर को जरूर खरीदें, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से इस शेयर की वॉल्यूम है कुछ कुछ बड़ा होने वाला है इस शेयर में। इस वीडियो में मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स लेवल्स और कुछ ऐसी चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की वो बताऊंगा और लास्ट में इसके टेक्निकल्स लेवल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने इसकी जो कैपेसिटी बोली थी वो बोली थी 47,178 मेगावाट, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कंपनी की जो अभी अभी अगर इसकी वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 62,110, जो कि इंक्रीज है 15,000 मेगावाट बिजली जो है कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसकी वजह से मैं शेयर पर थोड़ा ज्यादा बुलिश हो गया हूं और आने वाले समय में ये शेयर जो है और भी बड़ा तहलका मचा सकता है। मैं आपकी इसकी कैपेसिटी की बात कर दूं तो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 62,110, इंक्लूडिंग अ जॉइंट वेंचर ओन स्टेशन, इंक्लूडिंग 24 कोल बेस, 7 गैस बेस, 1 हाइड्रो, 1 विंड, 11 सोलर एंड 1 स्मॉल हाइड्रो प्लांट। और कंपनी की 25 जॉइंट वेंचर्स हैं जिनमें 9 कोलबेज हैं, 4 गैस है और 12 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं कंपनी ने जॉइंट वेंचर में स्थापित किए हैं। मैं और ये हिसाब से अगर मैं आपको इसका 1 मेगावाट अगर आप बिजली प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका जो कॉस्ट आता है वो आता है 4.55 करोड़। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2,70,000 करोड़ की। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देखते हैं तो इसकी एंटरप्राइज वैल्यू जो आती है वो 2,70,000 करोड़ की आती है, और इसकी अभी जो मार्केट कैप चल रहा है वो 1,00,000 करोड़ है। तो कंपनी जो है काफी अंडर वैल्यूड है, और मैं कहना चाहूंगा कि ये अंडर वैल्यूड स्टेक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर एंट्री देनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको इसमें कुछ अनइवन जो मैंने देखा वो बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, इसके जो वॉल्यूम्स थे इस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं इसके वॉल्यूम पे जाऊं तो 17 तारीख जो मंडे था उसमें इस शेयर की जो वॉल्यूम थे वो 11.5 करोड़ के थे, जो मुझे काफी ज्यादा लगे, और उसमें डिलीवरी जो थी वो 23% की थी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा डिलीवरी 23% की और 11.5 करोड़ एक दिन हुआ। फिर 20 तारीख को आइए, 20 तारीख को इस कंपनी में 11.23 करोड़ के थे वॉल्यूम और डिलीवरी थी 20% की, मतलब 2.2 करोड़ लोगों ने डिलीवरी ली। और फिर आ जाइए फ्राइडे को यानी कि कल, और कल आप जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10,78,00,000 लोगों ने इसमें ट्रेड किया और डिलीवरी थी 19% की। तो ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में जो इतनी ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है? और उससे पहले अगर आप इस शेयर को देखेंगे बीच के दिनों में तो इस कंपनी की जो वॉल्यूम थी सिर्फ 2.2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की थी। जितनी डिलीवरी ले रहे हैं लोग उतनी ही, मैं आपको बता दूं, उतना पहले ट्रेड हुआ करता था। यानी कि इसके कुछ तो बदला है इस
शेयर में। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, ध्यान से जब भी आपको मौका मिले, अगर इस शेयर में करेक्शन आ रहा है तो कोई ना कोई तो इसे बहुत बड़ी मात्रा में बाय कर रहा है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा कि जरूर खरीद लीजिएगा। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं अपने टारगेट्स के बारे में और टेक्निकल लेवल के बारे में, तो चलिए उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो अगले अगले 1 से 2 महीने में शेयर के जो टारगेट्स आ सकते हैं, आप इसका स्टॉप लॉस लगाइए 99 का, और एक आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 112 का, दूसरा टारगेट होगा 125 का, तीसरा टारगेट होगा 133 का। और मैं कहना चाहूंगा ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख लीजिए, आने वाले समय में ये शेयर तहलका मचा सकता है। और अगर आपको मैं बात करूं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो इसका जो लॉन्ग टर्म, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, और इसमें मैंने टारगेट बता चुका हूं कि अगले 5 सालों में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, तो जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। इसका जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं 89 पर, और ऊपर में जो टारगेट्स मैं आने वाले 18 से 21 महीने में देख रहा हूं, वो हो सकते हैं इस कंपनी में 135, 145, 165, 186, 225 और 250। मैं आपको कह रहा हूं अगले 18 से 21 महीने में ये कंपनी जो है 225 से लेकर 250 के टारगेट्स को अचीव कर सकती है। तो मैं अपने हर दशक से कहना चाहूंगा कि ये शेयर वो शेयर है जिसमें आपको एक अच्छा डिविडेंड मिलता है, और इसके साथ साथ आने वाले समय में ये शेयर जो है वो मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसने पिछले 10 सालों में परफॉर्म नहीं किया है। इसलिए मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, इसे भी थोड़ा ना थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में हर 3 महीने पर ऐड करते रहें। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये शेयर जो है, ये शेयर बहुत काबिलियत रखता है कि ये शेयर के जो मैनेजमेंट है, आने वाले दिनों में रूमर्स चल रहे हैं कि ये कंपनी जो है शेयर्स बायबैक कर सकती है, तो बायबैक की वजह से ये शेयर फिर से यहां से रीरेट हो सकता है। तो अगर बायबैक आता है तो ये शेयर जो है यहां से बहुत अच्छी रैली भी कर सकता है। मार्केट का एक उसूल है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, और अगर ऐसा है तो ये शेयर जो है यहां से भागने के लिए तैयार है। अगर आपको एनटीपीसी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी जानकारियां जो आपको मोटा मुनाफा दे सके वो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ जो आपको मालामाल बना सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।